एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लूरा। तो अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम लर्न करेंगे अपनी सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में। तो सबसे पहले प्लूरा मैं स्टार्ट करूंगी आज। क्या है ये प्लूरा एक्चुअली? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं दे आर लाइंड बाय, दे आर कवर्ड बाय द सीरस मेम्ब्रेन। और तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें पेरिटोनियम देखी थी कि पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी के जितने विसराज हैं उनको कवर कर रही है। और इसी तरह से जो प्लूरा है, अभी मैंने बात की थी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग। और दो होते हैं लंग्स बायलिटरली, और ये जो दोनों लंग्स हैं ये भी एक सीरस मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, एंड दैट इज प्लूरा। तो ये जो प्लूरा है ये भी पेरिटोनियम की तरह एक सीरस मेम्ब्रेन है और ये दोनों लंग्स को कवर कर रही है। और ये जो प्लूरा है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, दो लेयर होती हैं इस प्लूरा की। वन इज पेराइटल एंड अनदर वन इज विसरल। जो विसरल प्लूरा है इसको पल्मोनरी प्लूरा भी कहा जाता है, पल्मोनरी प्लूरा। तो इस तरह से दो लेयर्स हैं ये, और ये जो पैराइटल प्लूरा है इट इज आउटर वन एंड विसरल इज द इनर लेयर। और ये जो दोनों लेयर्स हैं, पैराइटल और विसरल लेयर्स, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है। देयर इज अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स, और इस पोटेंशियल स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी का क्लिनिकल रेलिवेंस भी है, इंपॉर्टेंस भी है। क्या क्या होता है जब कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं इस कैविटी में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो दो लेयर्स हैं प्लूरा की, पेराइटल एंड विसरल और पर्मुलरी, इन दोनों के बीच में भी एक पोटेंशियल स्पेस है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दो लेयर्स हैं। अब देखते हैं कि हम पेराइटल प्लूरा को, जो ये पेराइटल प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लूरा, और ये जो है ये थिकर है एज कंपेयर टू द विसरल प्लूरा। इस लेयर से ज्यादा ये थिक होती है, आउटर पार्ट में है प्रेजेंट। और ये जो लेयर है इसके भी फर्दर डिवीजन है पेराइटल के, मैं आपको बता देती हूं। देखिए इस तरह से समझिए, अगर ये इस तरह से तो ये जो दोनों साइड बायलेटरली मैं बना रही हूं, ये लंग्स हैं, और देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो है ये जो दोनों तरफ मैंने बनाया है, ये है क्लाविकल और ये थोरैसिक वॉल है, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको ये डोम शेप, दिस इज डायफ्राम, और ये जो बीच में है ये लंग्स हैं। तो जो पेराइटल प्लूरा है उसमें जो डिविजन्स बताए हैं वो है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जो ऊपर वाला पार्ट है विच इज कवरिंग द एपेक्स, एपेक्स के पार्ट को जो कवर कर रहा है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। जो सर्वाइकल प्लूरा है वो फर्स्ट पोस्टल कार्टिलेज से 5 सेंटीमीटर्स ऊपर होती है, 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड
5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम मीडियन टू थर्ड ऑफ क्लैविकल। थोड़ा सा मैं क्लियर करने के लिए ये बीच का पार्ट रब कर देती हूं। आई होप अब थोड़ा आपको क्लियर होगा। थोड़ा आप इस डायग्राम को फोकस करिए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सर्वाइकल प्लूरा कहते हैं क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में है और इस तरह से है ये। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो देखिए वो होता है कोस्टल प्लूरा। ये मैं पैराइटल प्लूरा के ही पार्ट्स आपको बता रही हूं। कोस्टल प्लूरा ये वाला पार्ट है। कोस्टा वर्ड इज यूज फॉर रिब्स और ये जो कोस्टल वर्ड है ये इसीलिए इसको कोस्टल कहा गया है क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी है इट इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ द रिब केज, रिब से बनी हुई है। तो जो पैराइटल प्लूरा की जो लेयर जो पार्ट ये थोरेसिक वॉल को लाइन कर रहा है उस पार्ट को हम कोस्टल प्लूरा कहते हैं। उसके बाद देखिए जो ये इंफीरियर पार्ट है इट इज लाइनिंग द सुपीरियर पार्ट ऑफ द डायफ्रेम। नीचे डायफ्रेम है देखिए तो इस पार्ट को हम डायफ्रेगमेटिक प्लूरा कहते हैं। डायफ्रेगमेटिक प्लूरा कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराइटल प्लूरा इज द मीडियल स्टर्नल प्लूरा जो कि मीडियल पार्ट में प्रेजेंट है दिस वन। दिस इज मीडियल स्टर्नल उसको पूरा लाइन कर रहा है उसके अलॉन्ग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पैराइटल प्लूरा का ये वाला पार्ट है इसीलिए इसको मीडियल स्टर्नल बोलते हैं। तो इस तरह से जो पैराइटल प्लूरा है उसके हमने 4 पार्ट्स देखे। के बाद जो विसरल प्लूरा है एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये जो विसरल प्लूरा है वाई इट इज विसरल प्लूरा Why it is pulmonary pleura? Because it is closely related with the lungs. ये inner layer है, closely related है lungs के और ये inseparable layer है actually और बहुत thin होती है जैसे पतली सी एक झिल्ली एकदम चिपकी हुई है lungs के साथ और इसको अलग नहीं किया जा सकता। It is inseparable. तो इस तरह से ये visceral pleura है। फिर उसके बाद next जो part आता है मैं आपको बताती हूँ। Next part आता है pulmonary लिगामेंट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पल्मोनरी लिगामेंट। जब हमने पेरिटोनियम डिस्कस किया था दैट वाज आल्सो अ सीरियस लेयर। तो पेरिटोनियम डिस्कस जब हमने किया था तो पेरिटोनियम के मैंने आपको कुछ मॉडिफिकेशंस बताए थे कि एक्चुअली क्या है ये जो सीरियस लेयर है जो हमारे विसराज को कवर कर रही हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इनको डिनोट किया जाता है। ये जो सीरियस लेयर्स हैं इनके बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे और ये जो फोल्ड्स हैं इनको ये मॉडिफाइड भी हैं कई जगह तो इन्होंने लिगामेंट का फॉर्म भी लिया। तो ये एक तरह से लिगामेंट जो है ये बेसिकली दीज आर फोल्ड्स ऑफ द सीरियस लेयर्स जैसे कि हमने पेरिटोनियम में भी कई सारे लिगामेंट्स पढ़े थे। तो इसी तरह से जो अभी हमने पल्मोनरी लिगामेंट की बात करी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू प्लूरा। पार्ट्स हमने देखे प्लूरा के अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो पल्मोनरी लिगामेंट मैंने आपको कहा सो दिस पल्मोनरी लिगामेंट इज नथिंग बट इट इज अ फोल्ड ऑफ द प्लूरा। पैराइटल प्लूरा का ही फोल्ड है ये पल्मोनरी लिगामेंट और ये कहां प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द लंग नियर द हाइलम या आप कह सकते हैं सराउंडिंग हाइलम जो रीजन है। थोड़ा सा आप समझिए इस तरह से ये होता है। देखिए
थोड़ा सा मैंने थ्री डायमेंशनल बनाने की कोशिश करी है। तो ये जो पार्ट है जहां मैं ये आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, ये हाइलम का पार्ट है। फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर्स दे एंटर द लंग्स, और ये जो हाइलम का पार्ट है, दिस पार्ट इज एट द रूट ऑफ लंग। इस लोकेशन को हम रूट ऑफ लंग भी कहते हैं। तो इसी के देखिए रूट ऑफ लंग से लगा हुआ ये जो इलांगेटेड पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज पल्मोनरी लिगामेंट। तो ये पल्मोनरी लिगामेंट बेसिकली फोल्ड ही है पैराइटल प्लूरा का। और क्या इसका रेलिवेंस है, एक्चुअली ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड एक स्पेस, डेड स्पेस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए। कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज की वजह से, हाइपर एक्टिविटीज की वजह से पल्मोनरी वेन्स में एक्सपेंशन देखा जाता है। तो ये जो डेड स्पेस क्रिएट करता है ये फोल्ड ऑफ पैराइटल प्लूरा, जो कि पल्मोनरी लिगामेंट हम कह रहे हैं, तो ये जो डेड स्पेस है ये उस एक्सपेंशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। और इस तरह से इसका रेलिवेंस भी है। तो आपने देखा पल्मोनरी लिगामेंट एक फोल्ड ही है। इसके अलावा कई बार जब फोर्स इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम के साथ साथ रूट ऑफ लंग भी डिसेंड करता है, तो उस समय पर भी ये एक स्पेस, डेड स्पेस प्रोवाइड करता है ये जो फोल्ड है पैराइटल प्लूरा का। तो इस तरह से ये इसका रेलिवेंस है पल्मोनरी लिगामेंट का। तो ये क्या है, ये बेसिकली इट इज अ फोल्ड ऑफ पैराइटल प्लूरा। फिर उसके बाद पल्मोनरी लिगामेंट हमने देखा, उसके बाद एक बात आती है, एक और पॉइंट है, एक और फीचर है जो इंपॉर्टेंट है यहां डिस्कस करना, प्लूरल रिसेस। ये प्लूरल रिसेस क्या है, रिसेस हम अगेन स्पेस को ही कहते हैं। रिसेस इज अगेन स्पेस। तो क्या होता है, कई जगह पर जो प्लूरा पूरी तरह से अलोंग द लंग्स उसको कवर करते हुए लगी हुई है, फैली हुई है, तो वहां पर वो अलोंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैराइटल प्लूरा कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ रिसेस क्रिएट हो रही है, जहां पर कुछ स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, कैविटी काइंड ऑफ थिंग इज क्रिएटेड, तो उसको हम रिसेस कहते हैं। तो इस तरह से दो रिसेस मेनली देखी जाती है, एक होती है कोस्टो मीडिया एक्सटर्नल रिसेस एंड अनदर वन इज कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो पहली रिसेस है, दिस इज कोस्टो मीडिया एक्सटर्नल रिसेस, तो ये कोस्टल पैराइटल प्लूरा और मीडियास्टर्नल पैराइटल प्लूरा जो है, दोनों ही पैराइटल प्लूरा ही हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों के बीच के पार्ट में ये प्रेजेंट होती है ये रिसेस। और ये रिसेस जब फोर्स इंस्पायरेशन में ही जब एक्सपेंशन होता है लंग्स का उसमें हेल्प करती है। बट अगर हम कंपेयर करें कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस से, तो कोस्टो मीडियास्टर्नल रिसेस उतना ज्यादा हेल्प नहीं करती है एक्सपेंशन में जितना ज्यादा कि कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस करती है। और तो ये वाली जो सेकेंड रिसेस है कोस्टो डायफ्रेगमेटिक, ये कोस्टल और डायफ्रेगमेटिक प्लूरा के बीच में ये रिसेस प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों भी स्पेसेस ही है बेसिकली, रिसेस आर द स्पेसेस जो कि एक पोटेंशियल स्पेस है और ये एक्सपेंशन के टाइम में हेल्प करते हैं। जब लंग एक्सपेंशन होता है तो ये हेल्प करते हैं ये स्पेसेस, और लंग बहुत अच्छे से बहुत इजीली एक्सपैंड कर पाता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़े प्लूरल रिसेस। फिर बात आती है आर्टेरियल सप्लाई, नर्वस सप्लाई और वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज की, इसके बारे में आपको वो बताती हूँ। नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो बताने से पहले मैं रिसेस के दो पॉइंट्स और आपको बताना चाहूंगी। जो कोस्टो मीडियास्टर्नल रिसेस है वो मेनली हमको लेफ्ट लंग में ही नजर आती है नियर द कार्डियक नॉच, और जो कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें तो वो 8th to 10th रिब एक्सटेंड होती है अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये दो पॉइंट्स और आपको रिसेस के
याद रखने हैं प्लूरल वर्सेस के। फिर बात आती है नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो जो पैराइटल प्लूरा है वो सोमैटिक नर्व्स उसको सप्लाई देती हैं, इसीलिए ये सेंसिटिव है, इट इज सेंसिटिव टू पेन। और इसको दो मेन जो नर्व्स हैं ये सप्लाई कर रहे हैं पैराइटल प्लूरा को, इंटरकोस्टल और फ्रेनिक। जो इंटरकोस्टल नर्व हैं, इंटरकोस्टल नर्व्स जो है वो सर्वाइकल कोस्टल और डायफ्रेगमेटिक का जो पेरिफेरल पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है, जबकि जो फ्रेनिक नर्व्स हैं नर्व है वो मीडियल स्टर्नल और डायफ्रेगमेटिक पार्ट जो मिडिल पार्ट है डायफ्रेगमेटिक का उसको सप्लाई कर रही है। फिर बात आती है विसरल प्लूरा की, जिसको हम पल्मोनरी प्लूरा भी कह रहे हैं। तो ये जो है ये ऑटोनॉमिक नर्व्स इसको सप्लाई करती हैं और ये इनसेंसिटिव टू पेन है। और ऑटोनॉमिक पार्ट में हम दोनों पार्ट अगर देखें तो सिंपैथेटिक पार्ट जो है उसको सेकेंड टू फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वेगस के थ्रू है। फिर बात आती है वेनस ड्रेनेज आर्टेरियल सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो पहले मैं आपको पैराइटल के बता दूं, तो पैराइटल प्लूरा जो है उसको उसका जो मोस्टली वेनस ड्रेनेज है वो एजाइगस वेन और इंटरनल थोरेसिक वेन को जाता है। और अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो पैराइटल प्लूरा क्योंकि वो पूरे थोरेसिक वॉल को लाइन करती है, उसके साथ अटैच है, तो थोरेसिक वॉल की जो सप्लाई है वही ऑलमोस्ट उसको सप्लाई कर रही है, जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज। तो ये ही इसकी आर्टेरियल सप्लाई है पैराइटल प्लूरा की एज द थोरेसिक वॉल। फिर बात आती है लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लाइक थोरेसिक वॉल अगेन इंटरकोस्टल इंटरनल मेमोरी पोस्टीरियर मीडियास्टर्नल और डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स में इसका पूरा लिम्फेटिक्स ड्रेन होता है। फिर बात आती है अभी ये जो हमने बात की वो पैराइटल प्लूरा की थी, तो जो विसरल प्लूरा है उसकी हमने नर्व सप्लाई तो डिस्कस की, वेनस ड्रेनेज आर्टेरियल सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। तो क्योंकि जो पल्मोनरी प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा है इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द लंग्स, इनसेपरेबल है, इतनी ज्यादा अटहर है, तो लंग के जैसे ही इसकी सप्लाई है, तो इसको जो आर्टरी है वो ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज जो है वो ब्रोंकियल वेन से है और जो लिम्फेटिक्स है वो भी जो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स हैं उनमें ही इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि जो विसरल प्लूरा है जिसको हम पल्मोनरी प्लूरा कह रहे हैं उसकी काफी हद तक ड्रेनेज और सप्लाई जो है इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, और जो पैराइटल है उसकी काफी हद तक थोरेसिक वॉल से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये हमने बात की। फिर बात आती है थोड़ा सा क्लिनिकल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल पार्ट की जब बात आती है तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक एज अ प्रोसीजर और एक एज अ क्लिनिकल कंडीशन। तो जो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो पैरासिंथेसिस थोरेसिस एक प्रोसीजर है जो कि प्लूरल कैविटी के थ्रू किया जाता है। दिस इज बेसिकली एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। कई बार ऐसा होता है कि प्लूरल कैविटी जो है जो कि एक पोटेंशियल स्पेस है बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा, यहां पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है कुछ पैथोलॉजीज के कारण, तो वहां से फ्लूइड को एस्पिरेट करना पड़ता है, उसको हम पैरासिंथेसिस थोरेसिस कहते हैं। और जनरली ये एर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से किया जाता है और लोअर साइड से किया जाता है टू अवॉइड एनी इंजरी टू द वहां पे जो भी नर्व कॉम्प्लेक्स है उसको कोई भी इंजरी ना हो, जो अदर स्ट्रक्चर्स है उनको इंजरी ना हो नर्व स्ट्रक्चर्स, तो इसीलिए वो लोअर पार्ट में किया जाता है एर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जनरली। तो उसके बाद ये बात हुई पैरासिंथेसिस थोरेसिस की। फिर जो दूसरा मैं पॉइंट कह रही थी दैट इज द क्लिनिकल कंडीशन, तो वो है प्लूरेसी। प्लूरेसी में बेसिकली इंफ्लेमेशन हो जाता है आपकी प्लूरा का, इंफ्लेमेशन है, ये इंफ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा जो हम प्लूरा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं इसका इंफ्लेमेशन है। और इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिनमें से मैं आपको बता देती हूँ कुछ कंडीशन। नीमोथोरैक्स एक कंडीशन है जिसमें एयर फिल हो जाती है कैविटी में एक्सेसिव, ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें। और इसके अलावा हाइड्रोथोरैक्स इसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, हीमोथोरैक्स में ब्लड एक्युमुलेशन हो जाता है, और एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नीमो हाइड्रोथोरैक्स, तो इसमें फ्लूइड और एयर दोनों का एक्युमुलेशन हो जाता है।
तो इस तरह से ये कंडीशंस हैं रिलेटेड टू प्लूरेसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, और एक और कंडीशन है जिसको एम्पायमा बोलते हैं, तो इसमें पस एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी में। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये अलग अलग रीजन से होता है, इंजरी के कारण भी हो सकता है ये, और भी बहुत सारे कारण है, एक्सटर्नल इंटरनल कारण है इसके, लंग्स के किसी कंडीशन के कारण भी ऐसा होता है, जैसे निमोनिया में भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह से ये दो चीजें आपको याद रखनी है प्लूरा के क्लिनिकल पार्ट में। एक तो एक प्रोसीजर है जो डायरेक्टली आपकी प्लूरल कैविटी से रिलेटेड है, जिसको हम पैरासिंथेसिस थोरेसिस कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका एक क्लिनिकल कंडीशन जिसको हम प्लूरेसी कह रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, और उसमें क्या क्या कंडीशन और होती है वो मैंने आपको बताई। तो इस तरह से आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू किया है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन लंग है, तो लंग की जो कवरिंग है, सीरियस कवरिंग है, इट इज प्लूरा। तो आज हमने प्लूरा डिस्कस की, आई होप कि आपको प्लूरा का पूरा स्ट्रक्चर, लेयर्स और क्लिनिकल पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।